अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, भिंडी ड्राई मसाला बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है और इसे मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर ली है। अब हम इसे मीडियम साइज़ में काट लेंगे, ना तो ज़्यादा बड़े हो ना छोटे। अब इसे काटने के बाद हम अलग रख लेंगे। अब हमने लिया है एक प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ, और अब मसाला तैयार करेंगे तो उसमें मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और 0.5 चम्मच मैं इसमें डालूंगी अमचूर पाउडर। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, इसे भी साइड में रख देते हैं। अब हम पैन लेंगे, पैन में हमने 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब इस ऑयल में हमें भिंडी को जो है शैलो फ्राई करना है, तो हमने भिंडी इसमें डालनी है और डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो तेल है वो अच्छे से हमारी चारों तरफ भिंडी में लग जाए और हमारी जो भिंडी है वो अच्छे से पक जाए। अब आप देख सकते हैं एक चीज़ कि जो भिंडी है उसमें रेशे निकलते हैं, तो जब हम इसको ढक के पकाते हैं तो उसमें वो रेशे आने लगते हैं, तो हम इसे ओपन रख के ही पकाएंगे ताकि वो रेशे ना आए। और इसे कम से कम 5 मिनट तक पकाना होगा ताकि ये हल्का सा जो है शैलो फ्राई हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि भिंडी का जो है वो कलर चेंज हो गया है और ऑलमोस्ट हमारी भिंडी पक चुकी है, तो अब हम इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम उसी पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल और ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा चटकने के बाद हम इसमें डाल देंगे हमारा 1 बारीक कटा हुआ प्याज। अब हम प्याज को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, तो प्याज को हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट करना है, तो उसके पहले हम इसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक मिला देते हैं। अब इसका जो कलर चेंज होना है तो उसके लिए हमें इसे ढक के पकाना पड़ेगा, तो हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। आप देख सकते हैं कि हल्का सा जो है प्याज का कलर चेंज हो गया है, फिर भी हमें हल्का सा इसे गोल्डन ब्राउन करना है, तो ओपन लिड रख के ही आप इसे हल्का सा फ्राई करिए। तो 1 मिनट और आप हमें इसे फ्राई करेंगे, देख सकते हैं आप हल्का हल्का इसका चेंज हो रहा है, और अब जैसे इसका कलर चेंज होने लगे हम इसमें हमारी भिंडी मिला देंगे। भिंडी मिलाने के बाद इसे अच्छे से इसमें मिक्स करें ताकि जो हमारा प्याज है वो जो भिंडी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमारा जो ड्राई मसाला है वो हम इसमें चटक देंगे। आँच आप थोड़ी धीमे ही रखिएगा ताकि मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो जाए और जले भी ना। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसे हमें 2 मिनट के लिए मीडियम हीट पे पकाना है ताकि हमारे जो ड्राई मसाले हमने डाले वो अच्छे से फ्राई हो जाए। और आप देख सकते हैं कि इसमें से अच्छे से खुशबू भी आने लग गई है और हमारे मसाले ऑलमोस्ट पक चुके हैं, तो हमारी जो ड्राई भिंडी है वो बिल्कुल तैयार है। ये बहुत टेस्टी बनती है, इजी वे है बनाने का, चाहे वो टिफ़िन के लिए हो या स्पेशल किसी डे के लिए हो, दोनों में ही बहुत अच्छा रहेगा। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा, अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करना ना भूलें।